एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज कन्वेंशनल मोरालिटी एंड रिफ्लेक्टिव मोरालिटी, परंपरागत नैतिकता और व्यक्तिक नैतिकता. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मोरालिटी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द ह्यूमन एज अ सोशल बीइंग. इन ह्यूमंस द पावर ऑफ थॉट कम्स फ्रॉम द ग्रेजुअल एसोसिएशन विद society. Argument is a product of social gathering. मतलब ये है कि मानव में या मनुष्य में सोचने की शक्ति कहाँ से आती है, या वो तर्क कब करता है, युक्ति कब करता है. ये जो पॉइंट है ये रिलेटेड है सोसाइटी से, क्योंकि जब एक बड़ी गैदरिंग होती है या सोसाइटी में हम किसी से मिलते हैं तो क्या होता है, लोग आपस में बात करते हैं और वार्तालाप के बीच में ही तर्क वितर्क होता है. लोग अपने थॉट एक्सप्रेस करते हैं, अपने वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं. सो इसलिए ह्यूमन क्या है, एक सोशल बीइंग है, क्योंकि हम सब सोसाइटी को कहीं ना कहीं रेफर करते हैं. ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट लिव एज मेंबर ऑफ अ ग्रुप. देयर एक्शंस आर गवर्न्ड बाय सजेशंस एंड रूल्स गिवन बाय द सोसाइटी. इंसान जो भी काम करता है उसके जो एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं उन सजेशन से, उन रूल्स से इफेक्टेड होते हैं जो सोसाइटी ने बनाए हैं, या फिर जिस ग्रुप को वो बिलोंग करता है उस ग्रुप ने बनाए हैं, या फैमिली ने बनाए हैं. सो ह्यूमन के ऊपर हमेशा एक प्रेशर रहता है. ह्यूमन इज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू द कस्टम, लैंग्वेज एंड रिलीजन ऑफ द ग्रुप. एक पर्टिकुलर ग्रुप में को जब आप बिलोंग करते हैं तो आप उसकी कस्टम, लैंग्वेज या रिलीजन को मानने के लिए बाउंड हो जाते हैं. एंड देयर कंडक्ट, योर कंडक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कलेक्टिव रूल्स. कलेक्टिव रूल्स यानी जो ग्रुप ने मिलकर बनाए हैं, जो सोसाइटी ने मिलकर बनाए हैं या फैमिली ने मिलकर बनाए. द ह्यूमन आस्पेक्ट द कस्टम एज हैविंग अ हाई लेवल ऑफ मोरालिटी. ये जो कस्टम बन जाते हैं ना, कि जो पारिवारिक, जिनको हम मूल्य कहते हैं, पारिवारिक मूल्य, जो रीति रिवाज हैं, वो नैतिकता के सूचक हैं. इट मीन्स जो उनको फॉलो कर रहा है वो मॉरल बींग है, और जो उनको फॉलो नहीं कर रहा है उसकी मोरालिटी पे क्वेश्चन रेज हो जाएगा. देन ग्रेजुअली द पर्सन मूव्स टूवर्ड्स रिफ्लेक्टिव मोरालिटी. तो सबसे पहले क्या आता है, कस्टमरी मोरालिटी आता है, और धीरे धीरे लोग रिफ्लेक्टिव मोरालिटी की तरफ मूव होते हैं. हम डिस्कस करेंगे कि क्या फैक्टर हैं कि क्यों लोग रिफ्लेक्टिव मोरालिटी की तरफ जाते हैं, या कन्वेंशनल में क्या प्रॉब्लम है कि लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं बाय द टाइम. तो ये सब हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, रिचुअल्स और ट्रेडिशन एज अ मॉडल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी. सो द बेसिक फाउंडेशन ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी इज ट्रेडिशन और रिचुअल्स. द रिचुअल्स आर इनहेरेंट इन द कलेक्टिव वे ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क. जब आप एक ग्रुप में या एक टीम की तरह काम करते हैं तो जो रिचुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं उस ग्रुप में इनहेरेंट होते हैं, उस ग्रुप की मोरालिटी में इनहेरेंट होते हैं. मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टम दैट आर अप्रूव्ड बाय द ग्रुप. ग्रुप के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा जो अप्रूव किए गए हैं, जो कस्टम, मेंबर को उसके अकॉर्डिंग ही कंडक्ट यानी अपना बिहेवियर लोगों के प्रति रखना पड़ता है. दिस कस्टम कंटिन्यू टू बी पास डाउन फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन. तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रेजेंट में एक पर्टिकुलर ग्रुप की जो वैल्यू है बस वही है, नेक्स्ट में वो बदल जाएगी. नहीं, ये जो कलेक्टिव वैल्यूज़ होती हैं, कस्टमरी वैल्यूज़ होती हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं. आप देखो, कई बार फैमिलीज़ में कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनके लिए कहा जाता है कि ये हमारे दादा नानी पर नानी के टाइम से चली आ रही हैं, और कोई उनको ऑब्जेक्ट नहीं करता, कोई उनको डिनाई नहीं करता. दीज कस्टम्स आर फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल. ये कस्टम क्यों बनाए जाते हैं, वैसे तो इंटेंशन लोगों की भलाई के लिए होती है, लेकिन बाय द टाइम इन प्रॉब्लम्स, ये कस्टम में प्रॉब्लम्स रेज होती जा रही हैं, और इसीलिए हम रिफ्लेक्टिव मोरालिटी की बात करेंगे.
इफ एनी मेंबर डिफाइज कस्टम देन ही इज पनिश्ड बाय द ग्रुप। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के कस्टम को डिनाई करने से मना कर देता है, अगर आप उसको बिलोंग करते हैं ग्रुप को और आप उसके कस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं या डिनाई कर दे रहे हैं, तो आपको पनिश किया जाएगा। सो इन दिस वे द ट्रेडिशन एज अ मॉडल मॉडल ऑफ कन्वेंशनल मोरेलिटी और द बेसिक फाउंडेशन ऑफ कन्वेंशनल मोरेलिटी एज रिचुअल्स। सो यू कैन सी देर आर सेवरल नेम फॉर द कन्वेंशनल मोरेलिटी लाइक कस्टमरी मोरेलिटी, ट्रेडिशनल मोरेलिटी, कन्वेंशनल मोरेलिटी। इस तरह से दो तीन नाम हैं जो बार बार आएंगे। नाउ ये जो कस्टम बना दिए जाते हैं, तो हु आर द कस्टोडियंस ऑफ द कस्टम, इनकी देख रेख कौन करता है? कस्टोडियन मीन्स जो देखभाल करता है या इसको आगे बढ़ाता है, तो वो कौन करता है? ओल्डर मैन एंड वुमेन, प्रीस्ट एंड चीफ आर द कस्टोडियन ऑफ दीज कस्टम, जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप हेड ऑफ द फैमिली भी कह सकते हैं और हेड ऑफ द ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में प्रधान कहा जाता है। तो ये जो प्रधान हो गए, हेड ऑफ द फैमिली हो गए, या फिर हम जो सबसे परिवार में बूढ़ा है, ठीक है, मैन, ओल्डर मैन एंड वुमेन, पुजारी, चीफ, ये सब हो गए। ये इन कस्टम के देखभाल करते हैं कि ये बने रहने चाहिए। दीज पीपल गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर यंग पीपल टू ऑब्जर्व देम एंड पनिश दोज हु डिसोबे द कस्टम। ये लोग ये देखते हैं कि जो यंग लोग हैं वो इस कस्टम को बनाए रखें, फॉलो करें, और यही अगली जनरेशन में इसको पास ऑन करें। और साथ में ये भी कहा जाता है कि जो कोई कस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, तो आप उसे पनिश कीजिए, आप उस पर नजर रखिए, ऑब्जर्व कीजिए। दे पेटुअली ऑब्जर्व ट्रेडिशन और इनकॉर्पोरेट न्यू कस्टम, बट दिस वर्क इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द लिविंग बट ऑल्सो द डिसीज मेंबर ऑफ द ग्रुप और एंसेस्टर। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ जो लिविंग बींग है ना, वही कस्टम के कस्टोडियन नहीं होते। कई बार हमको ये कहा जाता है कि पूर्वज भी रीति रिवाजों की, जो जो खत्म हो चुके हैं या जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनको हम एज अ एंसेस्टर कंसिडर करते हैं, वो कहते हैं वो भी रीति रिवाजों की देखभाल करते हैं। कि जब हम ये कहते हैं कि कोई इन्हें नहीं बदलेगा, ये हमारे दादा परदा नानी के टाइम से चला आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो भी, जो लोग गुजर चुके हैं, वो भी अपने कस्टम की देखभाल कर रहे हैं इनडायरेक्टली। दस इट इज क्लियर दैट कन्वेंशनल मोरेलिटी इज नोन एज ट्रेडिशनल मोरेलिटी। जो जनरेशन टू जनरेशन, जो पिछली या एंशियंट जनरेशन्स हैं, वहाँ से जो ट्रेडिशन फॉलो होते चले आ रहे हैं, और वो ट्रेडिशन बेस्ड जो मोरेलिटी है, दैट इज कन्वेंशनल मोरेलिटी और ट्रेडिशनल मोरेलिटी। नाउ द ओरिजिन ऑफ कस्टम्स इज बेस्ड ऑन मैनी फैक्टर्स। कस्टम कैसे बनते हैं? सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट देयर आर मैनी फैक्टर्स। फर्स्ट फर्स्ट फैक्टर, ईच पर्सन इन द ग्रुप बिलोंग टू द अदर पर्सन ऑफ द ग्रुप एंड ईच ऑल्सो एंड इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ग्रुप एज अ होल। दे हैव टू वर्क विद द ट्रांजेक्शन रूल। तो क्या होता है, एक किसी ग्रुप का जो एक पर्सन है, वो उस ग्रुप के दूसरे पर्सन को भी बिलोंग करता है और पूरे ग्रुप को भी बिलोंग करता है। वो यानी लोगों से भी जुड़ा होता है उस ग्रुप के, और उस ग्रुप को एक आइडेंटिफिकेशन की तरह भी यूज़ करता है। तो इस ग्रुप में क्या होते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स रूल होते हैं। ट्रांजेक्शन्स रूल्स मतलब लेन देन का जो नियम होता है, आप हमें ये दीजिए तो हम आपको बदले में ये देंगे। इस तरह से जो ग्रुप की हारमोनी है या ग्रुप के बीच रिलेशन है, वो अच्छा बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वेन अ ग्रुप गोज ऑन अ हंट, ईच पर्सन इन अ ग्रुप हैज़ देयर ओन प्लेस एंड रोल। इट इज हिज ड्यूटी टू परफॉर्म वेल दैट रोल। द पर्सन गिव्स अ गिफ्ट टू हिज हेड एंड गेट समथिंग फ्रॉम हिम इन रिटर्न। ये एक एग्जाम्पल दिया है जो एंशियंट टाइम का है, कि जब लोग शिकार पे जाया करते थे और तब ग्रुपिज्म चलते थे, कि मतलब इट्स लाइक कि ग्रुप बने होते थे, कबीले होते थे, सबके अपनी वैल्यूज होती थी। तो उसमें ये था, ट्रांजेक्शन जो रूल है, लेन देन का जो रूल है, कि उसमें जो शिकार में जाते थे और जो शिकार करके लाते थे, वो अपने प्रधान को देते थे, या जो हेड है ग्रुप का,
उसको देते थे, और हेड बदले में एज अ गिफ्ट जो भी मेंबर होता था जो उसे दे रहा है शिकार करके उसे देता था। तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन रूल फॉलो होते थे। दिस कलेक्टिव वे ऑफ वर्किंग बिकम्स फिक्स्ड एंड कॉन्टिन्यूस एंड ग्रेजुअली इट कन्वर्टेड इनटू ट्रेडिशन। तो ये जो वे था, वे ऑफ वर्किंग या वे ऑफ ट्रांजेक्शन रूल, फॉलोइंग द ट्रांजेक्शन रूल, इस तरह से लोग ये जनरेशन टू जनरेशन ऐसा ही करते गए, और धीरे धीरे ये ग्रुप का ट्रेडिशन बन गया, कस्टम बन गया, कि पहले आप हर चीज़ अपने प्रधान को देंगे और फिर वो आपको बदले में कुछ देगा। सेकंड फैक्टर, सम कलेक्टिव वेज ऑफ वर्किंग आर सक्सेसफुल एंड सम आर अनसक्सेसफुल। सक्सेसफुल एक्शंस आर एसोसिएटेड विथ ह्यूमन गुड फॉर्चून एंड अनसक्सेसफुल एक्शन विथ बैड लक। ऐसा होता है कि देखो, जब हम ह्यूमन बीइंग कुछ काम करते हैं तो हो सकता है हमें बार बार एक काम में सक्सेस मिल रही हो और किसी काम में नहीं मिल रही हो। तो जिस कामों में हमें सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, उसे हम ह्यूमन के गुड लक के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं, और जहाँ पे सफलता नहीं मिलती, बार बार फेलर मिलती, उसे हम बैड लक के साथ एसोसिएट कर देते हैं। सो द पॉइंट इज, जो गुड लक है, जो सक्सेसफुल एक्शन है, वो ट्रेडिशन का फॉर्म ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये करने से हमको बार बार सक्सेस मिल रही है, तो इट शुड बी डन, इट शुड बी डन बाय बाय ट्रस्टवर्थीनेस, कि हम पूरे विश्वास के साथ वो काम करें, क्योंकि इट्स लाइक कि ये हमारा ट्रेडिशन है और वी शुड फॉलो आर ट्रेडिशन। तो इस तरह से हमें जो सक्सेसफुल एक्शंस होते हैं, वो बाय द टाइम धीरे धीरे ट्रेडिशन में चेंज हो जाते हैं। सो द एक्शन आर सक्सेसफुली रिपीटेड एंड कन्वर्टेड इनटू ट्रेडिशंस। थर्ड फैक्टर, द पर्सन बिहेव्स इन अ स्पेशल मैनर इन सडन एक्शन। ही एक्ट्स फियरलेस वेदर दैट वर्क इज यूजफुल और नॉट। इन दिस वे द पर्सन ओपिनियन अबाउट सर्टन वर्क्स बिकम कस्टम। तो कभी कभी क्या होता है, पर्सन सडन एक्शन में ना एक स्पेशल मैनर से बिहेव करता है कि इधर पे ऐसा करना चाहिए, ठीक है, तो वो धीरे धीरे जो सडन मूवमेंट होते हैं या सडन रिएक्शन होता है, तो वो धीरे धीरे कस्टम बन जाता है कि हाँ, जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम ऐसा ही रिएक्ट करेंगे। इसके इन फैक्टर्स के अलावा फिलोसोफर डोई एंड डाउ स्पीक ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट फॉर्म फैक्टर्स दैट लीड्स टू कस्टम। तो ये जो दो फिलोसोफर हैं, वो ये भी बताते हैं कि और भी काफ़ी फैक्टर हैं जो कस्टम को लीड करते हैं। जैसे फर्स्ट इज अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल ऑफ द पब्लिक, प्रेज ऑफ सम वर्क एंड अदर एज फ्लॉड, द पब्लिक डिस्प्ले प्रेज बाय सॉन्ग डांस डेकोरेशन एट्सेट्रा एंड पब्लिक डिस्प्ले देयर डिसलाइक बाय बायकॉट एंड ब्रेवरी। तो क्या करते हैं कि जो पब्लिक अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल भी मैटर करता है, पब्लिक जिसे अप्रूव करती है वो धीरे धीरे लोग उसे ट्रेडिशन बना देते हैं, और पब्लिक जिसे अप्रूव नहीं करती, या तो लोग उसे बायकॉट कर देते हैं या फिर दोबारा वो काम नहीं किया जाता। तो इस तरह से अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल ऑफ द पब्लिक इज ऑल्सो अ फैक्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीडिंग कस्टम। सेकेंड इज प्रोहिबिशन टेबूज, जिसे कहा जाता है निषेध। तो कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिनके लिए मना किया जाता है, उसको टेबूज बोलते हैं। द प्रोहिबिटेड वर्क इज नॉट अ मीन्स फॉर कस्टम बट इट इज अ कस्टम इन इट सेल्फ। तो ये जो टेबूज हैं, इट्स लाइक कि डोंट टच अ न्यू बॉर्न बेबी और अ डेड बॉडी, इस तरह से जो निषेधित काम होते हैं इनको टेबूज बोलते हैं, और ये अपने आप में कस्टम है। सो दस प्रोहिबिशन इज बेस्ड ऑन फियर ऑफ अनसीन पावर। ऐसा कहा जाता है ना कि नहीं 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 छुओ, कुछ हो जाएगा, कुछ अनसीन पावर यानी जिसे कभी देखा नहीं है, एक डर होता है मन में, ठीक है। तो उस डर के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, उस डर को ध्यान में रखते हुए वो एक ग्रुप का जो निषेधित काम होते हैं, वो धीरे 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 ट्रेडिशन बनते जाते हैं, और जनरेशन टू जनरेशन ये मना किया जाता है कि नहीं, ऐसे नहीं किया जाता, ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता। तो ये सब काम क्या है, टेबूज है। थर्ड फैक्टर इज ट्रेडिशन।
ट्रेडिशन लीड्स द कस्टम, जो परंपराएं आपकी चली आ रही हैं, ये परंपरा है, या रोज सुबह सर धोकर किचन में जाने की परंपरा है, या फिर रात को सोने की एक टाइम फिक्स है, वो परंपरा कहते नहीं है कि हमारे परिवार की परंपरा है, या बड़ों के पैर छूना सुबह और शाम, बड़ों के पैर छूना और पैर दबाना, ये परंपरा है। तो ये धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, रीति रिवाज बन जाते हैं। कुछ परंपराएं जो होती हैं वो रीति रिवाज बन जाती हैं। सो द ट्रेडिशन लीड्स द कस्टम, प्रोहिबिटेड वर्क इज अ प्रोहिबिटेड फॉर्म ऑफ कस्टम, वाइल द ट्रेडिशन इज अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कस्टम। प्रोहिबिटेड वर्क में क्या करते हैं, डेफिनेटली हम मना कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो दैट इज नेगेटिव फॉर्म ऑफ द कस्टम। एंड ट्रेडिशन में क्या होता है कि हम कुछ चीज़ करने के लिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिशन, यू शुड डू दिस, ठीक है, और दिस इज आर फैमिली ट्रेडिशन, यू हैव टू हैव फॉलो दिस। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कस्टम। एंड लास्ट इज फिजिकल फोर्स, दिस इफेक्टिवली लीड्स टू कस्टम, वे आर द कलेक्टिव ओपिनियन, प्रोहिबिशन, ट्रेडिशन एट्सेट्रा कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, फिजिकल फोर्स डेफिनेटली एस्टैब्लिश इट। एज अ रिजल्ट द हेड ऑफ द ग्रुप इज वेरी पावरफुल, इट बिकम्स मैंडेटरी टू ओबे, बट फिजिकल फोर्स इज नॉट अ रूल बट एन एक्सेप्शन। क्या होता है, जैसे जैसे भौतिक बल या शारीरिक बल, कि जहाँ आप अपनी बात अपनी ओपिनियन से नहीं मनवा पाए, या प्रोहिबिशन से नहीं मनवाए पाए, या ट्रेडिशन बनाकर नहीं मनवा पाए, तो वहाँ क्या होता है कि अगर आप शक्तिशाली हैं और आपके पास पावर है, तो आप क्या करते हो, आप दूसरों को अपनी वैल्यूज़ फॉलो करने के लिए प्रेशराइज करते हो। तो ये है फिजिकल फोर्स, और ऐसा करते करते धीरे धीरे वो जो प्रेशराइजेशन है, वो जो पावर है, वो कस्टम का फॉर्म ले लेती है। आफ्टर दैट कन्वेंशनल मोरालिटी इज नॉट कम्प्लीटली फ्लॉलेस, ऐसा नहीं है कि जो कन्वेंशनल मोरालिटी है वो परफेक्ट है, या उसमें कोई वीकनेस नहीं है, या कोई ऐसे पॉइंट नहीं है जो चेंज होने चाहिए। दो देर आर पॉजिटिव साइड ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी, सब फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिशन मेक्स मोरालिटी इफेक्टिव, ट्रेडिशन एंड कस्टम इंक्रीज म्यूचुअल इंट्रेक्शन अमॉन्ग द मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप। जब जो कन्वेंशनल मोरालिटी होती है वो लोगों के बीच, ग्रुप के लोगों के बीच एक अच्छा संबंध बनाती है, एक अच्छा रिलेशन बनाती है। ट्रेडिशनल मोरालिटी इनहेंस एम्पैथी एंड म्यूचुअल सपोर्ट, लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। इट रिड्यूसेस सेल्फ इंटरेस्ट एंड सिक्लूजन, ये नहीं कि आप अपने अपने बारे में सोचिए क्योंकि आप ग्रुप में रह रहे हैं और आप कन्वेंशनल मोरालिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो आप जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। दैट इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी, बट ट्रेडिशनल मोरालिटी इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्लॉलेस, द मॉरल आइडियाज ऑफ कस्टम आर पार्टली और पार्शली लॉजिकल, मैनी कस्टम आर इरेशनल एंड अनजस्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑल्सो सीन इन कस्टम। तो बहुत सारे कस्टम ऐसे हैं जो लॉजिकल नहीं हैं, जो न्यायपूर्ण नहीं हैं, या फिर जिनमें कॉन्फ्लिक्ट्स देखा जाता है। सो द ओल्ड कस्टम चीज एज दे बिकम अ हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड बिकम मीनिंगलेस आफ्टर देयर आफ्टर न्यू कस्टम आर मेड। तो टाइम के साथ ये देखा जाता है कि ये जो पुराने रीति रिवाज हैं वो क्या कर रहे हैं, अब जो ग्रोथ हो रही है, मॉरल ग्रोथ हो रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, सिविलाइजेशन डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रही है, वहाँ पे ये जो ओल्ड कस्टम है ये हिंड्रेंस यानी एक बैरिगेट की तरह काम करने लगते हैं, ये आगे नहीं बढ़ने देते। तो देर इज़ अ नीड टू चेंज, और तभी नए कस्टम्स बनते हैं और नई मोरालिटी को लोग सर्च करते हैं, और वो नई मोरालिटी क्या है, दैट इज रिफ्लेक्टिव मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी इज नॉट प्राइवेट मोरालिटी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ट्रेडिशनल मोरालिटी कैन नॉट सेटिस्फाइड ह्यूमन डिमांड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड दिस इज वेयर रिफ्लेक्टिव मोरालिटी गेट्स इट्स वे।
क्योंकि आप बहुत क्योंकि टाइम के साथ ना वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। अब आप टाइम के साथ पुरानी वैल्यूज को एकदम से पुट नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखिए, पहले के समय पे ये माना जाता था कि आप बिना नहाए किचन में नहीं जा सकते, ठीक है, रसोई घर में नहीं जा सकते। लेकिन अब देखो, आप समय के साथ घरों का स्ट्रक्चर इतना बदल गया है कि अंदर अंदर कोई पार्टीशन नहीं होता कि कहाँ आपका हॉल शुरू हो रहा है, कहाँ आपका किचन शुरू हो रहा है, कहाँ क्या स्टडी रूम है। ऐसे ओवरऑल एक ही जैसा घर बनते हैं, तो उसमें आप इस रूल को कैसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। या वर्किंग के साथ कितने रूल हैं कि आप सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा के फिर ही खाना बनाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, या आप अपने गेट के बाहर, पहले ये रूल होता था रूरल एरियाज में, आज भी है, कि सबसे पहले लोग गेट के बाहर या तो थोड़ा पानी डाल के दरवाजे को धुलते हैं या उसे गोबर से लीपते हैं। लेकिन अब देखिए, क्या आज के टाइम में ये ट्रेडिशन फॉलो करना मुमकिन है? क्योंकि ये जहाँ फ्लैट सिस्टम है, बिल्डिंग सिस्टम है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सो टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। ट्रेडिशनल मोरालिटी डज नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल चॉइस एंड पर्सनल लॉजिकल अजम्पशन एज इट रिलेट्स टू द वेलबींग ऑफ द ग्रुप एंड एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रुप मेंबर। तो वो क्या कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल मोरालिटी है वो इंडिविजुअल चॉइस के बारे में नहीं सोच पाती। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप की मोरालिटी है, जो ग्रुप को रेफर करती है, वो बात करती है वेलबींग ऑफ द ग्रुप और द कम्युनिटी और द सोसाइटी या फैमिली। वो एक इंडिविजुअल पर्सन की चॉइस या फिर उसकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए नहीं बनी। द वर्क ऑलवेज डन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट एंड द वर्क डन अगेंस्ट द ट्रेडिशन इज कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट। एक पॉइंट ये भी है कि कन्वेंशनल मोरलिटी में क्या होता है कि अगर आप ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ग्रुप ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, तब तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट हैं तो आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्यों? हो सकता है कि कुछ रूल्स गलत हों या कोई कस्टम जिनमें कुछ प्रॉब्लम हो और लोग उसके अगेंस्ट या उसको मॉडिफाई करने के लिए लड़ रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। तो लोगों को समझना चाहिए, ये नहीं कि आप ग्रुप की मोरालिटी को फॉलो नहीं कर रहे, आप ग्रुप के कस्टम को फॉलो नहीं कर रहे तो आपको पनिश किया जाएगा। सो इन दिस वे देयर आर सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। आई विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक इन द नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि मैं उसे जल्दी डाल दूँ, और उसमें भी हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे कि सोशल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर फॉर मूविंग कन्वेंशनल मोरालिटी फ्रॉम कन्वेंशनल मोरालिटी टू रिफ्लेक्टिव मोरालिटी। और भी इस तरह से आगे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, और रिफ्लेक्टिव मोरालिटी को भी क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच।